हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन हियर, जहाँ पे हम आप पढ़ेंगे आज मैथ्स का क्लास, ठीक है ना। सो मैथ्स में हमने इसके प्रीवियसली बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड कर लिए हैं। हमने कल देखा था रिसेंटली इंटीग्रेशंस के कुछ स्पेशल केसेस हमने स्टडी किया था, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने आपको 7 से 8 फॉर्मूलेज हमने डिराइव करके रखा है। तो अभी क्या करेंगे हम, उन फॉर्मूलेज का जो डेरिवेशन एक्चुअली वो फॉर्मूले किस तरीके से निकाले गए हैं, ठीक है ना, उनके जो आंसर्स कैसे आते हैं उसको थोड़ा सा आज हम डीपली स्टडी करेंगे। नथिंग बट जो फॉर्मूलेज है उनका डिस्क्रिप्शन, उनका डेरिवेशन आज हम लेंगे, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं हमारा आज का क्लास मैथमेटिक्स का, जहाँ पे हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल केसेस, उनके डेरिवेशंस, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास था भाई कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, ध्यान में रखो क्या कहा है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, उसका आंसर हमारे पास था 1 अपॉन 2 ए, ओके, लॉग ऑफ ए माइनस एक्स था। तो भाई यहाँ पे भी मुझे ए माइनस एक्स इस्तेमाल करना था और यहाँ पे मेरे पास ए प्लस एक्स था, आगे में सी आया था, ओके, ये मेरा फॉर्मूला था। अभी ये फॉर्मूला एक्चुअली आता कैसे है, इसका जो आंसर वहाँ पे दिया है वो आंसर एक्चुअल में आया कैसे है, ठीक है ना, ये सब बातें हम अभी धीरे धीरे यहाँ पे देखने वाले हैं, ओके। तो चलो हम शुरुआत करते हैं हमारे आज की क्लास का। तो सबको मालूम है भैया कि भाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो पैटर्न होता है, ठीक है ना, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का सबको फॉर्मूला मालूम है। तब देखो मैं इसको किस तरीके सॉल्व करती है, मेरा एल एच एस है, ये मेरा आर एच एस है। तो मैं सबसे पहले कंसिडर करूँगा मेरे एल एच एस को, ठीक है ना, एल एच एस को जब कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है। तो मैं इसी को देखो किस तरीके से लिखता हूँ, 1 अपॉन यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला यदि मैं लगाऊँ तो यहाँ पे हो जाएगा भाई ए माइनस एक्स और ये बन जाएगा ए प्लस एक्स, ओके, हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला। यहाँ पे चलो मैं इंटीग्रेशन लगा दे रहा, ओके। अब देखो फिर से मैं इसको कैसे लिखता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा तोड़ता हूँ, ठीक है ना। अब मुझे इसको स्प्लिट करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस एक्स है प्लस एक्स है। यदि मैं इस टाइप का कुछ पैटर्न फॉर्म करूँ, जब मैं इनको ऐड करूँ तो भाई ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास 2a बचा रहेगा। तो देखो अब मैं इसको तोड़ता कैसे हूँ, ये देखो इंटीग्रल, ये 1 अपॉन मेरे पास है a प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन a माइनस एक्स। देखो क्या किया मैंने, मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। आप इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, डिनोमिनेटर तो भाई यही मिलना है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ पे ट्वाइस से बचा रहेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 2a लिख रहा हूँ, समझ गए, बेसिक है मैथमेटिक्स। आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उसका इजीली आंसर निकाल सकते हो, ओके। हाँ तो मैंने क्या किया, जो मेरा क्वेश्चन था मैंने उसको इस फॉर्म में, फिर इसको इस फॉर्म में ब्रेक किया है। ये ब्रेकिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ओके। हाँ तो अब देखो हम उसको क्या करेंगे, अब फिर से बड़ी सिंपल बात, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, I इक्वल टू, अब देखो ये मेरा 1 अपॉन 2 है एज इट इज। अब देखो यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करता हूँ सेपरेट सेपरेट, इंटीग्रल 1 अपॉन a प्लस x dx प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन a माइनस x dx, आई बात ध्यान में, ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये 1 अपॉन 2 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसको x पकड़ के चलो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है, log x होता है, तो log ऑफ a प्लस एक्स, ओके, प्लस यहाँ पे भी सेम log ऑफ a माइनस एक्स, एक बार ध्यान में, ओके, a प्लस एक्स और यहाँ पे a माइनस एक्स। हाँ अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे देख लो, ठीक है। अब दिक्कत क्या आ रही है, ये जो मेरा फॉर्मूला है log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स वाला पैटर्न है, इसका मतलब ये डिवीजन में है। डिवीजन कब होता है, जब log का प्रॉपर्टी आपको पता होना, log का प्रॉपर्टी क्या, दो प्रॉपर्टीज log के, log ऑफ a डॉट b इज इक्वल्स टू log a प्लस log b, और सेकंड जो है वो है log ऑफ a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू log a माइनस log b। अब यदि log a माइनस log b होता तो मेरे पास a बाय b का फॉर्मूला आता, लेकिन यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनस चाहिए, ठीक है ना। यदि मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए तो देखो यदि मैंने इसको माइनस कर दिया तो ये पैटर्न क्या बन जाएगा, ये एज इट इज a माइनस x, और ये जाएगा तो माइनस a और ये माइनस एक्स बन जाएगा। एक्स कैंसिल हो रहा क्या, नहीं हो रहा, तो मुझे यहाँ पे भी माइनस से चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे ए माइनस एक्स करना पड़ेगा, यहाँ पे ए प्लस एक्स करना पड़ेगा। फिर से देख लो एक ही बात होना है, यहाँ पे मैंने साइन चेंज किया, यहाँ पे मैंने साइन चेंज किया, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला था, यदि मैंने ऐसा किया होता तो मल्टीप्लीकेशन आ रहा था, ओके। हाँ
तो यहाँ पे देखो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स, ठीक है। हाँ तो बीच में क्या बन जाएगा, इस टाइप काम करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ तो आ रहा है क्या, देखो सबसे पहले, ठीक है ना, कोई से वाला काटा है, ठीक है। हाँ तो यदि मैंने ऐसा किया तो यहाँ पे ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ठीक है, या ऐसा रखा तो भी चलेगा, कुछ भी इसमें इशू होने वाला नहीं है, एक ही बात है, ठीक है ना। इधर ये हो जाएगा, इस साइड में ये जाएगा, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाए, वैसे भी ये तो चल रहा, कुछ इशू नहीं इसमें। हाँ यहाँ पे माइनस इस साइड आ जाएगा यदि ये प्लस हो गया तो, ठीक है, हमारा पहले वाला सही था, हम इसको एज इट इज माइनस रखते, इसको एज इट इज प्लस रखते, इसको एज इट इज फिर से माइनस रखते, ओके देखो, ओके। ठीक है पहले वाला जो फर्स्ट था वो फर्स्ट, ठीक है वो माइनस। हाँ अभी देखो यहाँ पे ये हो गया, और फिर से d dx ऑफ a माइनस एक्स, हम सबको मालूम है जब हम इंटीग्रेट करते हैं वन अपॉन एक्स का, ठीक है ना, वन अपॉन यदि ट्वाइस एक्स है तो इसका आंसर क्या होता है, वन अपॉन टू बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, नथिंग बट लॉग एक्स बन जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे वन अपॉन ए माइनस एक्स बचा है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, लॉग ऑफ ए माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय डी डी एक्स ऑफ ए माइनस एक्स, ओके। यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ ए माइनस एक्स का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डी डी एक्स ऑफ ए माइनस एक्स का आंसर, ठीक है ना। तो ये जो जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा वन अपॉन ट्वाइस ए, ये हो जाएगा आपके पास लॉग ऑफ ए प्लस एक्स, इसका आंसर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन माइनस लॉग ऑफ ए माइनस एक्स, देखो, ओके अब इंटीग्रेट हो गया तो मेरा काम बनता है भाई, यहाँ पे सी दू, यहाँ पे सी दू, ठीक है। अब ये देखो वन अपॉन ट्वाइस ए लॉग ए माइनस लॉग बी, पैटर्न क्या था, लॉग ऑफ ए बाय बी, ए कौन है मेरे पास, ए प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय बी कौन है, ए माइनस एक्स, ओके, और ये प्लस सी, इसका सिंपल सा आंसर देखो, यही हमारे पास रिक्वायरमेंट था, वन अपॉन ट्वाइस ए लॉग ऑफ एक्स प्लस अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है उसी तरीके से मैंने इसको फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद ये वाला जो है ना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और इसके साथ जो मैंने दूसरा एक फॉर्मूला भी आपको बताया था इसका इक्विवेलेंस, ठीक है ना, उसके लिए भी दोनों केसेस में ये वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये सेटिंग आपको अच्छे से आना चाहिए। और एक डाल दो आपको, जस्ट एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको कुछ भी करके वेरिएबल को कैंसिल करना है, ठीक है ना, ये कॉन्स्टेंट जो है ए एज इट इज़ रहता है तो मैं इसको बैलेंस कर सकता, इसके इंटीग्रेशन के भी कुछ प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन में इसका कुछ भी रोल नहीं रहेगा। लेकिन वहीं पे यदि मेरे ये यदि ये मेरा वेरिएबल कैंसिल नहीं होता है, वेरिएबल एज इट इज रहता है और मेरे कांस्टेंट कैंसिल होते हैं, उस वक्त मुझे दिक्कत आ जाएगी क्योंकि मैं इसको बैलेंस नहीं कर सकता। यदि मैं यहाँ पर 2x बैलेंस करूँ तो ये वेरिएबल होने की वजह से इंटीग्रेशन में रोल प्ले करेगा, ओके, तो उसी की वजह से हमारा ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे उस तरीके से। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब कभी भी आप कुछ पैटर्न सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो उस केस में एक चीज फिक्स करना है कि आपका वेरिएबल है ये कैंसिल हो जाना चाहिए, कांस्टेंट बचा रहा तो भी चलेगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको दिक्कत ये बताया था कि मैंने यहाँ पे माइनस भी कर सकता, तो फिर यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, एक ही बात हो जाएंगे, डेरिवेटिव इस साइड में माइनस आएगा, उधर ले जाने के बाद फिर से वही पैटर्न होना है, ठीक है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, सिंपल में उसको ये एज इट इज प्लस रखो, एज इट इज ध्यान में डिफ्रेंशिएट करो, आंसर देखो इसका क्या आ जाएगा, एज इट इज आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओके गाइस। हाँ जी तो देखो यहाँ पे ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है स्पेशल केसेस के इंटीग्रेशन का, जो कि इक्विवेलेंस दिखता है हमारे प्रीवियस वाले किस वाले से, ठीक है ना। अब उसका सोल्यूशन हम कैसा करेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न से, जस्ट यहाँ पे प्लस माइनस में थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे मैं एलएचएस कंसीडर करूंगा, इंटीग्रल वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम पैटर्न लगाऊंगा वन अपॉन, ये क्या चल जाएगा बोलो, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ओके, इंटीग्रल डी एक्स तो लगता ही है भाई, यहाँ पे मैंने डी एक्स ऐसे नहीं लगाया, वहाँ पे भी नहीं लगाया था, लगा दो आप, ठीक है। हाँ तो चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा ए जो है ना वो कैसा है, सब्सट्रैक्शन में, ठीक है, लेकिन मुझे इनको कैंसिल करना है, क्या इनको कैंसिल नहीं करना, मुझे किसको कैंसिल करना है, मुझे मेरे एक्स को कैंसिल करना है। जब मुझे एक्स को कैंसिल करना है लेकिन एक्स पे दोनों जगह पे पॉजिटिव साइन आ गया, इसका मतलब क्या करना है, मुझे मेरा जब सब्स्टिट्यूशन करूँगा, सेपरेशन करूँगा, वहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना है,
वो देखो अब मैं कैसे लगाऊंगा, ठीक है, इंटीग्रल। अब इसको मैंने लिख दिया वन अपॉन एक्स प्लस ए, या यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्चुअली एक्स माइनस ए, ओके, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस ए आई बाय धन में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ये क्या बनता है, ये x प्लस ए एज इट इज माइनस ऑफ x माइनस ए होल डिवाइडेड बाय, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन रहेंगे, ये दोनों ब्रैकेट एज इट इज, ओके। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो भाई x माइनस ए माइनस एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस ए, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो मेरा ये भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे मेरा ये भी कैंसिल हो रहा है, सॉरी ये ए प्लस, सॉरी ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मेरा ए एज इट इज बचा है, मेरे सिर्फ एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, ए प्लस ए ट्वाइस है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैलेंस करूँगा ट्वाइस ए को, डिनोमिनेटर में तो ये दो चीज़ें हैं आपके पास एज इट इज लग के, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे माइनस क्यू लेना है, क्योंकि मुझे कैंसिल करना है वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल तो भैया दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो यदि मैं इनको ऐड करूँ तो कैंसिल नहीं होंगे, तो मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ओके। तो उसी लिए हमने वहाँ पे माइनस साइन लगाया। प्रीवियस केस में हमारे पास हमारे जो वेरिएबल है वो ऑलरेडी एक प्लस और एक नेगेटिव था, इसलिए हमने वहाँ पे डायरेक्टली प्लस साइन लगा के दोनों को कैंसिल कर दिया था, ओके। हाँ, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखो, चलो समझ गया, ये भी सिमिलर पैटर्न है। अब तो बहुत सिंपल है, फिर से इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एज इट इज वन अपॉन ट्वाइस ए, ये बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे सेपरेट कर रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन, ठीक है ना, जब मैं सेपरेट इंटीग्रल करूँगा तो बन जाएगा इंटीग्रल वन अपॉन एक्स माइनस ए डी एक्स, ओके, माइनस इंटीग्रल वन अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स, अरे बात है ना, तो ये बन जाएगा वन अपॉन ट्वाइस ए इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस ए, इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है ना, तो क्या होता है बोलो, यहाँ पे भी सेम लॉग ऑफ, हाँ जी लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस ए, नीचे में आंसर वन आएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ओके। हाँ, माइनस इसका फिर से क्या निकलेगा, इसका निकलेगा लॉग ऑफ एक्स प्लस ए, ओके, इंटीग्रेशन निकल गया करके सी, देयरफॉर वन अपॉन ट्वाइस ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस ए, लॉग ए माइनस बी, इसका आंसर आता है लॉग ऑफ ए बाय बी, तो एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए, ओके, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, देख लो ये वाला और ये वाला आपका एज इट इज है, बड़ा ही सिंपल है। आपको जस्ट मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया, इस क्वेश्चन में भी बता रहा, आपका ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट, ये वाला स्टेप एक बार जम गया तो भैया ये वाला आपका इजीली सॉल्व होगा। तो ये मैं जो बताया ये आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ट्वेल्थ बोर्ड में आपको आते हैं, कॉम्पिटेटिव में तो इसका कुछ काम नहीं है वैसे, ट्वेल्थ बोर्ड में आते हैं बहुत से बार, इनके साथ साथ देखा था क्वेश्चन भी छोटा सा दे ही देते हैं वो लोग चार मार्क्स के लिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक भी बताया कि कब माइनस यूज़ करना और कब प्लस यूज़ करना, ठीक है। जब आपके वेरिएबल दोनों के दोनों डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं तो डायरेक्ट प्लस यूज़ करो, यदि दोनों के दोनों वेरिएबल यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहे क्योंकि दोनों को प्लस साइन है तो उसको इसमें केस में नेगेटिव यूज़ करो, और यूज़ करते समय एक बार थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है ना, कि मेरे वेरिएबल्स ही कैंसिल हो रहे हैं क्या नहीं, ओके। हाँ, तो ये रहा आपके लिए उसका सॉल्यूशन। हाँ, तो अभी हम नया लेते हैं, उसका नेक्स्ट वाला हमारे पास फिर से क्वेश्चन था, क्या था कि भैया इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका जो आंसर है वो होता है वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ठीक है ना, ये वाला आपके पास हमने कल एक फॉर्मूला लिखा के दिया था, याद होगा तो, ठीक है। हाँ, वही फॉर्मूला अभी हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे कैसा करूँगे, जब ये केस आता है तो जब हमने कल फॉर्मूले दिए थे उसके पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है ना, वो क्वेश्चंस को देखने के बाद हम बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करना है। वहाँ पे हमने देखा था जहाँ पे प्लस था वहाँ पे हमने x की जगह पे tan थीटा पुट या tan x पुट किया था, जहाँ पे रूट था माइनस था वहाँ पे हमने sin cos पुट किया था, जहाँ पे रूट था माइनस था लेकिन पहले x था बाद में कॉन्स्टेंट था उस केस में हमने sec और cosec सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है। वही सी टाइप का वो फॉर्मूला है यहाँ पे, यहाँ पे हम देखो LHS जब हम कंसिडर करेंगे हमें सॉल्व LHS को ही करना है,
एज इसमें देखो इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स है, इस केस में मैंने क्या करना है, इस केस में मुझे पुट करना है सब्स्टिट्यूट, क्या करना है पुट करना है, किसको पुट करना है, एक्स को पुट करना है। अब ये पैटर्न देखो, बीच में प्लस है विदाउट रूट है, तो भैया इसको मुझे कुछ भी करके टैन थीटा ही पुट करना है। अब मैं टैन एक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि भैया मुझे एक्स को पुट करना है करके, ठीक है ना, टैन थीटा मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इजीली डिटेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से दो पैटर्न जाते हैं, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा भैया डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ टैन एक्स सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ मैं क्या कर रहा है, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसको एक्स, ठीक है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ये बन जाएगा यहाँ पे डी थीटा, ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ध्यान में रखना, ओके ये एक मेरा इंपॉर्टेंट। यहाँ से दूसरा एक जो ब्रांच निकलता है वो ये मुझे सब्सिट्यूट करना है, ठीक है ना, यहाँ से एक चीज़ निकल जाएगा थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ क्या छूट गया, वो ए छूट गया, यहाँ पे देखो ए है करके मुझे एक्स इज इक्वल्स टू सिर्फ टैन थीटा पुट ना करते हुए यहाँ पे मुझे ए टैन थीटा पुट करना है, क्या पुट करना है यहाँ पे मुझे ए टैन थीटा, जब डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ पे ए ऑफ सेक स्क्वायर, तो ये बन जाएगा टैन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय ए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं पहले टैन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय ए, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स बाय ए, ये आपके पास दो मिल गए, ये मेरा स्मॉल वन हो गया, ये मेरा स्मॉल टू हो गया, दोनों को पकड़ के आपको आपका जो इक्वेशन नंबर वन बोलो एल एच एस बोलो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो क्या बन जाएगा, देयरफॉर ये वाला जो पैटर्न है, देयरफॉर इंटीग्रल वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल, हाँ वॉट इज डी एक्स, डी एक्स इज नथिंग बट ए सेक स्क्वायर टीटा डी टीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एज इट इज, वॉट इज एक्स, एक्स इज ए टैन टीटा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा भाई ए स्क्वायर टैन स्क्वायर टीटा, आई बात समझ में। अब इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे देखो मैंने ऐसे ही रखा ए ऑफ सेक स्क्वायर टीटा होल डेड भाई, ऐसे क्या कॉमन निकलेगा, ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या वन प्लस टैन स्क्वायर टीटा, यहाँ पे कौन बचा है ये डी टीटा एज इट इज, ठीक है ना, हाँ। अब हम क्या करेंगे देखो, अब यहाँ पे ये ए और ये स्क्वायर में का एक के कैंसिल, यहाँ पे वन अपॉन एज इट इज बचा, इंटीग्रल मेरे पास बचा सेक स्क्वायर टीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर टीटा डी टीटा, देखो अब सबको मालूम है, क्या मालूम है भैया वन प्लस टैन स्क्वायर टीटा क्या होता है जी सेक स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता देख लो, ठीक है, हाँ यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा भाई वन अपॉन ए इसका इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कैंसल कैंसल, ये बन जाएगा भाई वन अपॉन ए इंटीग्रल ऑफ डी थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन ए थीटा प्लस सी, बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, व्हाट इज थीटा, बैक सब्स्टिट्यूट करने पे थीटा क्या है हमारे पास टैन इनवर्स, देयरफॉर वन अपॉन ए व्हाट इज थीटा टैन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ओके दिस इज योर फाइनल आंसर, देख लो हमारा जो पैटर्न था वो वही मिला है, देख लो सब जन एक बार अच्छे से, फाइन।